हेलो व्यूअर्स, दिस इज लक्ष्य। सो गाइस, आज हमारा है डे फिफ्थ एजुकेट इंडिया राइड का और आज हमारा लास्ट दिन है काजा के अंदर का। और कल सुबह हम निकल जाएंगे मनाली के लिए। अभी हम जा रहे हैं हिक्किम, जहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट इंडिया का पोस्ट ऑफिस है। कॉमिक जाएंगे, लांगजा जाएंगे, फिर काजा। तो आज थोड़ा एडवेंचर वाला टूर होने वाला है और अब मैं गौरव भाई की स्कूटी के पीछे बैठ के जाऊँगा, क्योंकि मेरी स्कूटी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है और मैं चाहता नहीं कि स्कूटी ख़राब हो जाए। एक तो सबसे पहले जो मेरी बैक लाइट का ग्लास है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, टूट गया, और एक यहाँ मैंने नंबर प्लेट के अटैचमेंट लगा दी थी बंजी कॉर्ड बांधने के लिए, वो भी निकल चुकी है। और जो मेरा मेन स्टैंड है वो ख़राब हो चुका है। साइलेंसर का जो मैंने पाइप नया लगवाया था वो बहुत ज़्यादा बेंड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ पत्थर लगा था रात को जो हम चितकुल जा रहे थे, तो ये पूरा अंदर की तरफ जा चुका है, जिसकी वजह से डबल स्टैंड लग नहीं रहा है। बट डबल स्टैंड लगा के दिखाइए, डबल स्टैंड मेरा साइलेंसर में लग रहा है, इससे ऊपर जा ही नहीं रहा, बस इससे ऊपर जा ही नहीं रहा। तो अब मैं जा रहा हूँ गौरव भाई की स्कूटी के पीछे बैठ कर, अभी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि वहाँ से लेनी है हमें वैसलीन, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। फिर हम निकलते हैं लांगजा के लिए। तो हमारे पीछे ये है काजा गेट, ये सीधा अगर आप चल जाओगे तो यहाँ से किप्पर और मनाली का रास्ता है, और अगर आप ये रास्ता ऊपर चले जाओगे तो ये जाएगा हिक्किम, लांगजा, कॉमिक एंड देमुल। तो अभी हम जाएंगे इस रास्ते से हिक्किम की तरफ, और हिक्किम है यहाँ से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स। पहले लांगजा पड़ेगा 16 और वहाँ से 6-7 किलोमीटर हिक्किम, तो 25 हो जाएगा। तो चलते हैं। और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, इसलिए मैं मार्केट से वैसलीन खरीदी थी, तो वैसलीन लगा रखा हूँ, मैंने भी लगा ली, लिप्स पे भी थोड़ी बहुत लगा ली, लिप गार्ड मिला नहीं, तो इसी से काम चल रहा है। और लांगजा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बुद्धा की बहुत ही बड़ा स्टैचू है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और 45 मिनट की ड्राइव है काजा से, और ये लांगजा गाँव है, पीछे छोटा सा ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, सिर्फ 150 बंदे रहते हैं यहाँ पे और 28 फैमिलीज। ये रहा लांगजा का स्टैचू, तो फोटोज़ क्लिक करते हैं। और यहाँ पे पढ़ेगा इंडिया, तभी तो पढ़ेगा इंडिया के लिए हमने कुछ बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करी दो बच्चों को यहाँ पे, तो फोटोग्राफ्स लेते हैं अभी। तो ये है लांगजा का बुद्धा का स्टैचू, तो भी हमने फोटोग्राफ्स क्लिक करी है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पे फोटो लाइक कर देना, और एजुकेट इंडिया राइड का जो हमारा पर्पस था, जितने भी बच्चे हमें दिखेंगे छोटे छोटे सबको उनको बुक्स और कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे भी 3 बच्चे हमें मिले थे उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करिए, और फोटोज़ बहुत ही अच्छी आई हैं, लाइक कर देना इंस्टाग्राम पर। और अभी हम यहाँ से चल रहे हैं हिक्किम की तरफ, जहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस है। तो हमने कुछ पोस्ट कार्ड्स भी लिए हैं, वहाँ पे हम जाके पूरा फिल करेंगे, एक मैसेज लिखेंगे और न्यू दिल्ली डिलीवर करवा देंगे। तो अभी हम हिक्किम में हैं, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो हम यहाँ पे मैगी वैगी खा रहे हैं, और नीचे जाके है पोस्ट ऑफिस, और स्कूटी चलाने भी इतनी दिक्कत आ रही थी कि धक्के मार मार के चला रहे थे। क्यों धक्के मारे, सांस हो गई। तो अभी हम जाएंगे पहले पोस्ट ऑफिस, अपना पोस्ट कार्ड पोस्ट करेंगे न्यू दिल्ली, फिर जाएंगे कॉमिक, और इसी रास्ते से ऑफिस जाएंगे काजा। अभी क्या फीलिंग आई थी धक्के मार मार के? भाई साहब प्राण निकल गया आज तो, ऐसा लगा परमात्मा से मिलन होने वाला है थोड़ी देर में। नीचे मत पहुंचिए, देख ले। नहीं बोल रहा, अभी जान प्यारी है, कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ की तो पहाड़ियाँ भी ऐसी है, बंदा ऊपर नहीं जाएगा लेकिन जिंदा ऐसा रहेगा ना, हाथ में टूटे पड़े रोज कहेगा कहाँ गिरा मैं। ये वो मैगी है जो हमने खाई थी हिक्किम में, दूसरा पैकेट दिखाइए कहाँ रखा है। दूसरा पैकेट गेर दिया इसने पागल ने, संभाल के रख रखी है, दिल्ली जाके शोकेस करवाएंगे, दिखाएंगे बच्चों को, देखो बेटे तुम्हारे पिताजी ने खाई थी हिक्किम में। हिक्किम का तीखा खाना खाएंगे अब भाई जी, अपने हाथों से ज़्यादा तीखा भी मत खा लियो, पता चल गया धुएं निकल रहे हैं सारे में, धुएं निकल जाएंगे, ज़्यादा तीखा मत बनवा।
अगर ड्रोन शॉट पसंद आया तो क्या करना है? ठोको लाइक। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। अभी मैगी के मजे कर रहे हैं, उसके जाएंगे पोस्ट ऑफिस, वहाँ से एक पोस्ट कार्ड पोस्ट करेंगे न्यू दिल्ली, फिर जाएंगे कॉमिक और रियल रास्ते से वापस कासा। हेलो फ्रेंड्स, मैगी खा लो। हिक्की में बड़ी मस्त बनाई है भाई ने। अरे बहुत बढ़िया भाई, ये बहुत बड़ी अच्छी मैगी बनाता है। अब तो लगा दिया मैंने, फोटो बाद में ले लावा ने पूरा आपको मिल गया। तो अभी हम खड़े हैं द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्के मुरमदीम ने यहाँ से पोस्ट कार्ड अपना पोस्ट कर दिया। देखते हैं कितने दिनों बाद पोस्ट है, 20 से 25 दिन बोला है ये रहा। तो बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो गई है ये भाई साहब, तो स्कूटी नीचे ले आए थे। आ जाओ फ्रेंड्स, मिंट मेड पल्पी ऑरेंज। अभी 5-10 मिनट रुकेंगे, एक और मैगी खाएंगे, उसके बाद चलने का जूस पियेंगे, फिर चलेंगे काजा। काजा कितना है भैया यहाँ से? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर बस? ना भाई, खोल के तो दे दो यार, थोड़ा तो कष्ट कर लो। हाँ, आलसी जी कमी। अरे बहुत बहुत आलसी है, बगल में फोन पड़ा है भाई, फोन दे दे। बगल में चार्जर दे दे। इतना आलसी है भाई, समझाओ इसे, इतना आलस ठीक नहीं है। पता मुझे कट कर देगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आ गया। वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे पल्पी ऑरेंज पीने का कुछ मजा ही अलग है। बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, पल्पी ऑरेंज पी लो, आप भी ले लो। पल्पी ऑरेंज, इट्स पल्पी, यू नो, पल्पी। अलग ही मजा है भाई, इतने हाई एल्टीट्यूड पे मल्टीमेट पीने का। पहली बात तो यहाँ मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। कैसे जूम इन आउट, जूम इन जूम आउट कर रहा है। कैसे मजे ले रहा है। सारे मजाक मत उड़ा दियो, पता चली व्लॉग में सारे वो गिर रहा है, जिससे बेइज्जती होगी मेरी। सारे मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, घर से बाहर निकल रहा हूँ हेलमेट पहन के, दुकान तक जाना पड़ रहा बाबा कलावा पहन के और काला चश्मा लगा के। तो अब हम निकल रहे हैं किम से कॉमिक की तरफ, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज है ना भैया, पोस्ट ऑफिस। वहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी है, हमने पोस्ट कार्ड पोस्ट कर दिया न्यू दिल्ली के लिए। कॉमिक 3 किलोमीटर है, तो चलते हैं वहाँ पे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कॉमिक और ये हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड। बहुत कुछ अचीव कर लिया हमने, तो अब हम निकल रहे हैं कॉमिक से काजा के लिए। और कॉमिक की खास बात यह है कि एक तो हाईएस्ट विलेज है ये, और एक तो 120 लोगों की सिर्फ पॉपुलेशन है यहाँ पे, समथिंग 115 लिखा हुआ, बट 120 है। और यहाँ पे कॉमिक मोनेस्ट्री भी है, बट अभी बंद है। और एक जॉर्डन इन वर्ल्ड हाईएस्ट होम स्टे है, ये पीछे भी है। तो और इस राइड में हमने बहुत सारी चीज़ें हासिल करी। एक तो हमने चितकुल गए, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज था। कॉमिक आ गए, हिक्किम जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, काजा आ गए, स्पिति चले गए, उसके बाद चीचम ब्रिज देख लिया, कल हम मनाली निकल जाएंगे। और यहाँ पे रास्ते ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो हमने गूगल मैप्स के ऑफलाइन मैप्स पहले से डाउनलोड, तो ऑफलाइन मैप से 3.5 GB के ऑल ओवर, मतलब ले शिमला में सारा डाउनलोड कर रखा था, जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो हम निकल रहे हैं काजा और थोड़ा कॉमन रूम में जाके एक्टिविटीज करेंगे। हाँ, और ये हैप्पी न्यू ईयर तिब्बतियन ईयर 2145। तो कैसा लगा लक्ष्य जी आपको यहाँ आके? तो मैं गौरव भाई के अप्रीला चलाऊंगा यहाँ से, और काजा है यहाँ से 20 किलोमीटर, लगभग 1 घंटा लग जाएगा। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है वैसे अप्रीला का, जुपिटर का इस मामले में काफ़ी स्मूथ है, सही है, सॉफ्ट। अब यहाँ से हमें यूटर्न लेना है। ये जो सामने वाला रास्ता ही जाता है लांगजा, उसके बाद काजा, और ये वाला रास्ता जाता है हिक्किम, उसके बाद काजा। तो हम इस वाले रास्ते से चलते हैं, क्योंकि काजा से हम लांगजा आए थे, तो ये नया रूट होगा।
इस रास्ते में दो दिक्कत आती है, एक तो इसमें छोटे छोटे बजरी होती है जिसमें टायर बहुत ही ज़्यादा स्लिप होता है, मगर एप्रिलिया का तो खास कर, एप्रिलिया का पानी में ही बहुत जल्दी टायर स्लिप होता है। तो लेफ्ट में है काजा पूरा जोस्टल वोरा, पूरा दिख रहा है यहाँ से जोस्टल। तीन तीन ओरे टेंट, ऑरेंज कलर की छत है उसकी। भाई पहली बता रहा हूँ, मेरा एक प्लेयर घायल है, ये वाला प्लेयर घायल है। मेरा था येलो चीटिंग कर रहा है। एक जीत गया मैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और अभी हम आ चुके हैं जोस्टल में। अभी फ्यूल भरवा के लाए हैं क्योंकि सुबह हम पता कर रहे थे फ्यूल मिल नहीं रहा था। तो अभी हमने 20 लीटर फ्यूल ले लिया है पेट्रोल, और अभी शाम के 7 बज रहे हैं, अंधेरा हो चुका है और अभी हम सो जाएंगे क्योंकि कल हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है सरचू के लिए, मतलब हमारी ले की राइड कल स्टार्ट हो जाएगी फाइनली। और यहाँ से सरचू है अप्रॉक्स 273 किलोमीटर था, और अब तक इस राइड में बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज, इंडियाज लास्ट विलेज, वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप। हाँ, वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप। तो आप सोच सकते हैं अभी इतना मज़ा आ रहा तो आगे कितना मज़ा आएगा। तो अभी तो जस्ट हम सो जाएंगे, हमने सारा सामान अपना पैक यहाँ अपना सारा सामान पैक कर दिया, और सुबह हम निकलने की कोशिश करेंगे सुबह 5 या 5:30 बजे की, क्योंकि हमें सरचू जाना है। तो फटाफट हमें रास्ता कवर करना पड़ेगा क्योंकि बीच में जो रास्ता है ग्रमफू वाला रास्ता जो है खराब है, कुंजुम टॉप वाला। सो टिल देन राइड सेफ, दिस इज बॉर्न टू राइड साइनिंग ऑफ, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं आपको कल व्लॉग में। कर लेगा लक्ष्य। हम आपको चाची जी से मिलवाते हैं। चाची जी सुनिए। हाँ जी बोलो जी। ये बाटला पास है।